अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? थंबनेल देख के समझ चुके होंगे आप लोग के आज जो वीडियो है वो एक वेट लॉस जर्नी अपनी बताऊंगी और वेट लॉस आप लोग कैसे कर सकते हो वो बताऊंगी और 100% रिजल्ट के साथ बताऊंगी कि आप विदाउट एनी एक्सरसाइज आप अपना वेट किस तरह कम कर सकते हो और वो वेट कभी बढ़ेगा नहीं। वरना अमूमन आपको ये देखा होगा आपने, आज हमने वेट लॉस किया, 3-4 महीने बाद फिर हमारा वेट गेन हो गया। तो वो आज आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि वेट आपका पुट डाउन नहीं होगा। वजन बढ़ाना बहुत आसान है और वजन को घटाना उतना ही मुश्किल तरीन काम है। इतनी आसानी से वजन कम नहीं होता। मेरे तीनों बेटे सी सेक्शन हुए हुए हैं और मैंने उसके बाद अपना वेट किस तरह लूज किया आपके सामने मैं वीडियोस वगैरह सब कुछ शेयर कर दूंगी। मेरा जो लास्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मेरा जो वेट था वो 93 kg पे पहुंचा था। जब 93 kg में पहुंच चुकी थी तो बहुत ज्यादा टेंशन थी मुझे, क्योंकि एक बॉडी मेरी ऐसी है कि मैं कुछ भी खाती हूँ तो मेरा फौरन वेट पुट होता है। कि वुमेन्स होती हैं जो डिलीवरी के बाद वापस स्लिम हो जाती हैं खुद से, लेकिन खुद जैसी लड़कियां होंगी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैंने बहुत मेहनत करी है। 93 kg थे जो मेरा वेट, अब 66 पे हुआ है, मैंने बहुत मेहनत की है। ये 4 साल हो चुके हैं जो मेरा वेट लॉस जर्नी आप सुन रहे हैं ना, ये 4 साल तक स्टिल मेरा वेट 66 पर है। मतलब कुछ लोग होता है ना कि डाइटिंग छोड़ी है तो आपका वेट डबल पुट ऑन होता है, तो ये आपको बता दो। आज मैं आपको वो डाइट्स बताऊंगी, वो खाना बताऊंगी, उसका तरीका वो बताऊंगी कि आप अगर डाइट छोड़ते हो तो पोषण कंट्रोल पे जाते हो तो आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा। यानी 4 साल से स्टिल मैं 66 वेट पर हूँ। जब मैंने वेट 93 से कम किया था एटलीस्ट 4 से 5 मंथ्स लग गए थे मुझे लगातार अपने आप को उसको डाइट करते हुए ना। तो जब हमारा वेट बहुत ज़्यादा होता है तो हमें 2 से 3 महीने तक थोड़ी स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ती है। टास्क था कि मैंने वेट लॉस करना है अपना, जिसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। तो मैंने वेट लॉस किस तरह किया विदाउट एक्सरसाइज वो मैं आगे वीडियो में बताती हूँ आपको। अब तक जो भी वीडियो यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। एनीवेज ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और डिसहार्ट मत हो जो लोग वेट डाइटिंग कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम नहीं कम होंगे, आप लोग वेट कम कर सकते हैं। जब मैं 93 से 66 पे आ गई और स्टिल अपने वेट को मैंने मेंटेन रखा हुआ है तो आप लोग क्यों नहीं। मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगी यहाँ पर कि जब मेरे बेटे थे तो मेरा जब वेट इस वक्त इस पिक्चर में 80 kg मेरा इस पिक्चर में वेट हुआ हुआ है और अब जो आपको नेक्स्ट लगाऊंगी मैं ये पिक्चर इसी देख, ये 66 मतलब ये बच्चे मेरे इतने बड़े हो गए मेरा वेट स्टिल है। और आज जब मुझे सब ये कहते हैं ना कि आप इनकी बड़ी बहन लगती हैं तो एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगता है कि मैं इनकी बड़ी बहन लगती हूँ, माँ नहीं लगती हूँ। ये मेंटेन रखने के लिए मैंने बड़ी मेहनत करी थी उस 3-4 मंथ्स जो आज तक स्टिल मैंने इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपने आप को वापस अनहेल्दी डाइट पे ले आई तो मेरी वो जो 3 महीने की मेहनत थी ना वो तो ज़ाया हो जाएगी, 3-4 महीने जो उस वक्त मैंने मेहनत की थी। तो आज तक स्टिल मेरा वेट मेंटेन है। मैं अपनी कुछ जो हम जब मोटे होते हैं ना, जब मैं मोटी थी तो मैं अपने हस्बैंड से भी बड़ी उम्र की लगती थी। तो जब हम मोटे होते हैं हम अपने उम्र से बड़े लगते हैं, बीमारियां हमें लगना शुरू हो जाती है, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, जो भी हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और जब मेरी उस वक्त डिलीवरी होने वाली थी तो उस वक्त मैं गिर गई थी और मेरे पैर के टिश्यू फट चुके थे घुटने के, तो मुझे नीचे उतारना था हस्बैंड को, फिर घर वालों ने मिलकर उतारा, वो जो उस वक्त लोग मौजूद थे घर पे। तो वो चीज़ जब मैंने देखी कि इन लोगों को मुझे उतारना बड़ा मुश्किल हो गया, मतलब मेरा इतना वजूद हो चुका था ये लोग मुझे उतार नहीं पा रहे थे, तो वो उस वक्त मुझे हिट किया पे कुछ बातें को ना घर वालों की बातें, इस बार तो ये बहुत ही मोटी हो गई, अब इसका वेट कम नहीं होगा, अब ये पता नहीं कम कर पाएगी ही नहीं पाएगी। और मेरा जो वजन जब मैं अपना वो चेक कर रही थी शर्ट, तो एक्सेल मेरा साइज, जिसमें एक्सेल में भी वो सिर्फ नॉर्मल शर्ट नहीं, अगर एक्सेल झपले टाइप के जो फ्रॉक्स होते हैं ना, यानी लूज फिटिंग के, वो ही मुझे एक्सेल आता था। तो मैंने शॉपिंग करना छोड़ दी, सिर्फ 2-3 अपने मैक्सी फ्रॉक्स रखी हुई थी, सिर्फ मैं वही पहनती रही ना, वो मुझे यहाँ हिट करती है लोगों की। तो बस मैंने बस उसको कैच किया और मैंने अपना डाइट, जैसे मेरी डिलीवरी हुई, जैसे मेरे घर आई उस वक्त, उसी वक्त मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ में डाइटिंग। सबसे पहले मैंने बेल्ट पहनी, मेरा पेट टमी बहुत निकल चुका था, बहुत ज़्यादा। अभी भी आपको मैं एक पिक्चर शेयर कर देती हूँ, वो 80 kg मेरा, मतलब 75 या 80 kg होगा इस वाली पिक्चर में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आप यहाँ मेरा टमी चेक कर सकते हैं।
तो अब मैंने इतना कम किया अपने आप को तमी। तो उसी वक्त जब मैं घर आई थी तो मैंने उस वक्त डॉक्टर से पूछा था, मेरे स्टिचेस लगे हुए थे, तो मैंने डॉक्टर से कहा था कि मैं बेल्ट पहन सकती हूँ, तो शी सेड पहन ले आप फौरन जाके घर में, बेल्ट ना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको बेल्ट खाती हूँ, मैंने दो बेल्टें पहनी माइंड। अब आपको आपने कम करना होगा ना, तो आप ये चीजें नहीं सोचेंगे, गर्मी लगती है, हमारा दम घुट रहा है, हमारा कुछ घुट रहा है, इसके बगैर आपका पेट कभी कम नहीं होगा, क्योंकि पेट जब हमारा अंदर जाता है ना, फ्लैट होता है, तो ये हेल्प करता है हमारा। तो मैं दो बेल्ट पहनती थी, एक बेल्ट मेरा ऊपर की तरफ होता था ये वाला, और ये वाला मेरा लोअर टमी जो होता है ना, जो मेरे बहुत लटक चुकी थी, क्योंकि सी सेक्शन वाली जो वुमेन्स होंगी उनको पता होगा कि जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है लाइक नरम मलाई, तो उसको कम करना आसान नहीं था मेरे लिए। तो मैंने ये नीचे में ये बांधती थी, ऊपर में ये बांधती थी, और मेरा शुरू में स्टार्ट में तो मैंने ये बेल्टें हस्बैंड से पहनवाती थी, क्योंकि मुझसे तो पहनी भी नहीं जाती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा टमी था, तो वो यूं करके जो पहनते थे ना वो आता ही नहीं था आगे। तो मैं उनको बोलती थी जितना आपको प्रेशर से इसको बंद करना है ना बंद कर दे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, आपको थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी अपने आप को एक अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए। और आज मैं माशाल्लाह से इतनी एक्टिव भी सिर्फ इसलिए कि मैंने अपना वेट लॉस किया, और एक आज मैं जो डाइट करती हूँ वो मैं हेल्दी डाइट करती हूँ, मैं क्लीन ईटिंग करती हूँ। मेरे तब के वेट सही है, 66 है मेरी हाइट के हिसाब से, मेरा वेट ठीक है, बट मैं फिर भी डाइटिंग नहीं छोड़ी। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना माइंड को पहले, जब आप अगर आज से ये वीडियोस देख के स्टार्ट करते हैं अपना डाइट, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि आपने डाइट स्टार्ट करने के बाद पोर्शन कंट्रोल पे आना है, ना कि ओवर ईटिंग पे आना है। क्योंकि जो चीज़ हम खा के, अभी हम जैसे कुछ सब चीज़ एकदम से बंद कर देते हैं, जब डाइट करते हैं तो सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, फिर जब हम खाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें नुकसान देती हैं, ठीक है। मतलब हमारा वेट डबल पुट ऑन हो जाता है, अगर हम खा के छोड़ के खाएंगे तो हमारा डबल पुट ऑन होगा वेट, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। डाइटिंग करने के बाद हमें पोर्शन कंट्रोल पे जाना है, और लाइफ टाइम पोर्शन कंट्रोल पे रहना है। आप पोर्शन कंट्रोल का मतलब का ये नहीं कि आप जिंगर नहीं खा सकते, आप बिरयानी नहीं खा सकते, आप पिज्जा नहीं खा सकते, आप बर्गर नहीं खा सकते, यानी मैं होटलिंग भी करती हूँ, मैं सब कुछ चीज़ें करती हूँ, मैं जिंगर भी खाती हूँ, मैं पिज्जा भी खाती हूँ, लेकिन मेरा क्या तरीका कार है वो मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताती हूँ। तो जिस दिन मुझे जाना होता है बाहर कहीं पर भी कुछ भी खाने, होटलिंग करने, तो मैं उस दिन कुछ नहीं खाती हूँ, ना सुबह का नाश्ता करती हूँ, ना दोपहर में कुछ खाती हूँ, यानी सुबह सिर्फ एक टी पीती हूँ अपने तीन डाइट बिस्किट के साथ, बस उस दिन मैं पूरा होल डे से वही खाती हूँ जो मैं बाहर जाके खा रही होती हूँ, तो ऐसा मेरा मेंटेन रहता है। अब अपनी लाइफ से ड्रिंक को माइनस कर दे, टोटली माइनस, कोई टाइम नहीं, कोई जूस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, मत पिए, ये कोई हेल्दी नहीं है। जूसेस आपको पीने, आप फ्रेश जूस पिए, एप्पल का जूस पिए, चुकंदर का जूस पिए, गाजर का जूस पिए, जो भी जूस पीना आप उस तरह पिए। शेक पीना है तो शेक में नो शुगर, बनाना में अच्छे खासा शुगर होता है, आप सिर्फ उसमें मिल्क में लो फैट मिल्क लें, और उसमें एक डालना है, दो डालना है बनाना, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, बस शुगर नहीं ऐड करनी, ना ब्राउन शुगर ना वाइट शुगर, कोई भी आप शेक एंड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसका बता रही हूँ। आपने ये नहीं करना है, ये एक बार स्टार्ट कर लेंगे ना आप, तो आप अपने आप से अपने आप को अंदर हल्का महसूस करेंगे। दूसरा, फ्राई आइटम, कोई भी जंक फूड, कोई भी फ्राई आइटम, फ्रेंच फ्राइज ले, बर्गर्स ले लें, ये सब फिलहाल 2 से 3 मंथ्स तक आप अपने मुंह पे जिप लगा लें। अगर आप अपने मुंह पे जिप नहीं लगाई और अगर तब भी आप ड्यूरिंग द डाइट लेते रहे तो आपका वेट कभी कम नहीं होगा। 3 मंथ्स दे दें अपने आप को और अपनी लाइफ को कि मैंने गुड लाइफ स्टाइल के लिए ये चीज़ें मैंने स्टॉप कर देनी है। अब मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मैंने क्या किया ऐसा जो मेरा वेट लॉस होना शुरू हो चुका था। मैंने एक्सरसाइज सिर्फ 10 डेज की, घर के अंदर ही, कहीं बाहर नहीं गई, घर के अंदर ही 10 डेज करना शुरू करी। फिर 10 डेज में मैंने आधा घंटा पहले स्टार्ट, 45 मिनट से स्टार्ट की, आधे घंटे तो 20 मिनट में, 15 मिनट में, यानी मैं डे बाय डे वो कम करती गई, क्योंकि घर के काम काज, बच्चा रोना शुरू हो गया है, ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, तो मेरी एक्सरसाइज रूटीन ख़राब होने लगी। अब मैं परेशान थी, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, किस तरह कम करूँ, क्योंकि हमें वर्कआउट करना है, चाहे हम वॉक करें, अब इतने छोटे छोटे बच्चे को कहीं रख के वॉक नहीं कर सकती मैं, क्या करूँ। दिमाग क्लिक किया, चलो ठीक है, घर का झाड़ू पोछा मासी को मैंने उसी वक्त चलता हुआ बह किया, घर के सारे काम अपनी जिम्मेदारी पे ले लिया, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, हर चीज़ अपना खुद करना शुरू कर दी मैंने, और ट्रस्ट मी आज तक कर रही हूँ और मेंटेन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मैंने उस वक्त झाड़ू पोछा जो स्टार्ट किया, घर के सारे काम मैंने ये करना छोड़ दिया, पानी की बोतल लाना, वो गिलास लाना, ये लाना, वो मैं खुद करने लग गई सारे काम ना, इस तरह के छोटे मोटे भी, खुद ही उठती थी, खुद ही लाती थी खुद, क्योंकि मुझे वर्कआउट करना था, बाहर जा नहीं पा रही थी, एक्सरसाइज हो नहीं पा रही थी, तो मैंने घर से ही अपना वर्कआउट किया और आज तक स्टिल अपना काम खुद सारे कर रही होती हूँ सारी चीजें, तो इसलिए मेरा वेट मेंटेन रह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे ये कहूंगी कि अगर आप, इससे मैं सुस्त नहीं हूं, अगर आप सुस्त हो तो आप अपना काम सारे खुद करना शुरू कर दे, ट्रस्ट मी आप अपने आप को बहुत एक्टिव महसूस करोगी, क्योंकि मोटावा हमें बहुत सुस्त कर देता है। तो ये सारी चीजें हैं मैंने की। अब मैं ऐसे आपको बताती हूँ कि मैंने क्या खाना शुरू कर दिया, जब मैंने बिल्कुल अपना वेट 3 मंथ्स तक कम कर दिया, मैंने बिल्कुल जंक फूड नहीं खाया, मैंने कुछ भी नहीं खाया ना, तो उस 3 महीने में मैंने पानी का इंटेक ज़्यादा कर दिया, 3 लीटर्स पानी में पिया करती थी। अच्छा, खाना मैंने उस वक्त 3 टाइम का जो होता था वो मैंने 6 टाइम पर डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि अगर हम 3 टाइम्स खाना नहीं मिलेगा, मैं अगर स्ट्रिक्ट डाइट की बता रहे हैं, तो अगर हम जब खाएंगे तो हम ज़्यादा खाएंगे। सपोज अगर मैंने सुबह का नाश्ता किया और मैं रात में खाना खाऊंगी तो मैं ज़्यादा खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे इतनी भूखी होंगी मैं और सब पे गुस्सा निकल रहा होगा मेरा। हमें ये नहीं करना, हमने अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को इतना हेल्दी रखना है, इतनी पॉजिटिवली, इतनी हैप्पी अपनी डाइट को खुद इंजॉय करना है। मैं अपनी डाइट को माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खुद इंजॉय करके करती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ, चार्ट्स बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपनी खुद मैनेज करती हूँ ना, और बहुत खुशी खुशी। ऐसा नहीं कि मैं, मुझ पर कोई प्रेशर है कि मैंने अब अपने आप को कमी रखना है, नहीं, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है ना, मैं खुद करती हूँ अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे ये लाइफस्टाइल बहुत अच्छा, मुझे पॉजिटिव रखता है, मैं इस लाइफस्टाइल से बहुत हैप्पी हूँ कि मैं अपने आप को बहुत एक्टिव महसूस करती हूँ, अनएक्टिव नहीं हूँ मैं, नॉन स्टॉप सुबह से लेकर रात में मेरी बॉडी जो चल रही है वो इसी डाइट पर तो चल रही है। 3 टाइम्स से अपना खाना 6 टाइम्स कर दिया, और वो किस तरह किया, सुबह मॉर्निंग में मैं कावा ज़रूर पीती हूँ, पहले भी पीती आई हूँ, अभी भी पी रही हूँ, जीरे का कावा बनाती हूँ या कॉफ़ी ब्लैक पीती हूँ या गर्म पानी में नींबू डाल के पीती हूँ, वो आपको मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं क्या करती थी, आधा एक घंटे बाद मैं नाश्ता कर लेती थी। नाश्ते में मैं हमेशा ब्राउन ब्रेड लेके उसमें बॉयल अंडा करके हमेशा खाती थी, कभी बॉयल ऐसे खा लेती थी, कभी सैंडविच, ये सारी चीज़ें लेती थी। अब उसके बाद मैं क्या करती थी कि क्योंकि मेरा टाइम मैंने अपना अच्छा कर लिया था, 8 बजे मैंने नाश्ता करना या 9 बजे मैंने नाश्ता करना, मैंने 12-11 बजे नाश्ता नहीं करना, तो मैं 9 बजे तक नाश्ता कर लिया करती थी अपना। उसके बाद मैं क्या करती थी, जब मुझे भूख लगती थी 12-1 बजे लगती है सबको भूख, तो मैं क्या करती थी, मैं 1 केला ले लेती थी या 1 एप्पल ले लेती थी या कोई 1 फ्रूट ले लेती थी, उसको मैं खाती थी। 2 घंटे बाद हो गया उसको खाए पे, मैं घर के काम में इतना बिजी हूँ कि मुझे फुर्सत नहीं होती कि खाना भी खाना है। उसके बाद मुझे, मैं खाती थी सूप पी लिया करती थी, उस दौरान मैं सूप यखनी ज़्यादा पीती थी, सूप पॉरेज ये सब चीज़ें मैं इंजॉय करती थी, और मैंने अपनी डाइट बहुत इंजॉय करके करी, कोई टेंशन रिलैक्स होकर करी कि नहीं मेरा, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए गुड हेल्दी डाइट है, अनहेल्दी नहीं है, और मैं बहुत अपने आप को इस तरह एक्टिव महसूस करने लग गई और मुझे आदत होना शुरू हो गई, अब वो एंड आज स्टिल मैं इन्हीं डाइट पर हूँ। दोपहर में दिल करता है चाट बना लेती हूँ, दोपहर में दिल करता है चाट की हर वैरायटी मैं खा लेती हूँ, हर तरह की चाट। दोपहर में मैं खाना नहीं खाती हूँ, रात में 1 रोटी खाती हूँ। रोटी का तरीका मेरा ये होता है कि 1 पेड़ा बनाया, पेड़ा बना के मैंने उसको हाफ किया और उस हाफ पेड़े से मैंने रोटी को इतना बेला कि ये दिमाग हमारा होता है कि हमने आधी रोटी खाई, अगर हम पूरी रोटी बना रही हूँ, इसलिए मेरा वो दिमाग कहेगा ही नहीं कि मैंने आधी रोटी खाई। सैलेड ज़्यादा खाना शुरू कर दो, सैलेड आपका वेट नहीं बढ़ाता। फ्रूट्स रात में मत खाएं, दिन में खाएं, जब भी खाएं आपको भूख लग रही है आप फ्रूट्स ले लें, रात में नहीं खाएं, रात में वो वेट आपका वेट वो बढ़ाएगा रात में, ठीक है। रात में कोशिश करें 8 से 9 बजे के बाद खाना बंद कर दें, कुछ नहीं खाएं, ग्रीन टी लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी ग्रीन टी बैग वाली मत लें, इससे वेट लॉस नहीं होता है। आप इस तरह की ग्रीन टी ले लें जिसको पका के बनाया जाता है, तो 1 कप में 1 टीस्पून बना के पकाएं। बहुत भूख लगती है कुछ लोगों को, रात में नेटफ्लिक्स देखने की आदत है, रात में बैठ के कोई भी ड्रामा देख के खाने की आदत है, तो वो तो थोड़े से पॉपकॉर्न बना लें, चने ले लें, ड्राई चने जो होते हैं वो ले लें, वो उससे अपनी क्रेविंग दूर करें, उससे अपनी भूख मारें, डाइट बिस्कुट खा लें, वो खा लें जिसमें कैलोरीज थोड़ी सी कम होती है। अगर हम खाएंगे फ्रेंच फ्राइज, अब हम टॉप ऑफ्स ले रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज ले रहे हैं या चिप्स का पैकेट ले रहे हैं, आपको पता है 100 ग्राम चिप्स में अगर आप कैलोरीज चेक करो गूगल में तो आपको पता चलेगा कितनी वो कैलोरीज है। आप जैसे एक वुमेन कैलोरीज 2000 तक की उसकी कैलोरीज की लिमिट होती है, लेकिन मेरी कोशिश, मैं जो अपनी कैलोरीज लेती हूँ डेली में वो 1500 के अंडर लेती हूँ,
मुझे 1500 क्रॉस ही नहीं करना। कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं वो आप गूगल में देख लीजिएगा, हर एक चीज का कैलोरीज आती है, एक स्लाइस ब्रेड कितनी कैलोरीज ले रही, एक अंडा कितना कैलोरीज ले रहा है, आप उसको कैलकुलेट करें कि आपने नाश्ता इतनी कैलोरीज का खाया है, तो आप लंच कितनी कैलोरीज का ले सकते हैं, आप टी कितनी कैलोरीज की है, उसके साथ जो बिस्किट ले रहे वो कितने कैलोरीज का है, तो कैलोरीज के बिस्किट पीछे लिखे होते हैं, हर बिस्किट के पीछे कैलोरीज, तो आप इस तरह अपनी कैलोरीज को खुद कैलकुलेट करें तो आपका वेट खुद आप अपना चार्ट बनाए। मैंने किसी डाइटिशियन से चार्ट नहीं बनवाया, मैंने खुद अपना चार्ट खुद बनाया कि कैलोरीज को देखते हुए, आपको कैलोरीज कैलकुलेट करना आ जाएगा ना, आपकी जिंदगी आसान। जब भी मुझे चावल खाने होते तो मैं इस तरह प्लेट का मैंने आपको बताने के लिए बताया कि इतना मैं चावल लेती हूँ, इतना मैं सैलेड लेती हूँ, और जो ज़्यादा वाला वो सैलेड लेती हूँ, ताकि मेरा पेट भी भर जाए और मैं चावलों को एंजॉय भी कर सकूँ। चावल सिर्फ 6 से 7 टेबल स्पून से ज़्यादा लेती नहीं हूँ। इस तरह मैं अपने अपने वेट को लूज करना है। आई होप कि अब तक की वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, आप मोटिवेट भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, अल्लाह ताला करे आप मोटिवेट हो जाए, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करें तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। अनहेल्दी रहेंगे, सुस्त रहेंगे, बीमार होंगे, 10 चीज़ें की बीमारियाँ लगेगी, तो उससे बेहतर आप एक हेल्दी डाइट स्टार्ट करें। तो टिप्स देना भूल गई आपको मैं, टिप्स वो मैंने कहा देती हूँ आपको मैं ज़रूर। अब वो टिप्स ये है कि जब आप वेट लॉस करने लग रहे हो ना, आप वेट लॉस पे हो ड्यूरिंग, तो आप अपना वेट चेक मत करो, वेट मशीन को साइड पर कर दो, छुपा दो 2 महीने तक। 2 महीने तक आप अपना वेट मशीन मत देखो, क्योंकि हमारा कभी कभार सम टाइम किसी किसी की बॉडी अलग होती है ना, तो सम टाइम हमारे इंचेस कम हो रहे होते हैं लेकिन हमारा मशीन वो वेट ज़्यादा दिखा रहा होता है और हम डिसहार्ड हो जाते हैं, इतनी डाइट करी, इतना हमने आपको मारा हमने, और हमारा वेट से 2 किलो कम हुआ, 3 किलो कम हुआ, मैं तो कर ही नहीं रही। हम डीमोटिवेट हो जाते हैं उस वेट को देख कर, जबकि हमारे इंचेस कम हो चुके होते हैं। तो इसलिए 2 से 3 महीने तक उसको हटा दें अपने पास से, एक बार वेट चेक कर लें कि आपका ये वेट हो चुका है, उसके बाद उसको हटा दें। 1 महीने से 1.5 महीने के बाद चेक कीजिएगा अपना वेट, इंशाल्लाह आप खुशी बहुत खुशी महसूस होगी। जब आपका टारगेट गोल हो जाए कि ये मेरा टारगेट है मैंने अचीव कर लिया, उसके बाद डेली वेट चेक करना है आपने, जो खा रहे हो अगले दिन चेक करना कि कल क्या खाया था, कितना वेट हमारा पुट ऑन हुआ, तब आप डेली चेक कर सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग इन द डाइट आप ना करो, क्योंकि इससे आप डीमोटिवेट। ये हाई कैलोरीज जिसकी इतनी ज्यादा कैलोरीज होती है ना, वो आफ्टर 9 बजे ना खाए, वो आपको बहुत पुट ऑन करेगा। कभी कभार समटाइम मेरा केक खाने का दिल करता है, कुछ भी मैं वो सुबह नाश्ते में ले लेती हूँ या दिन में ले लेती हूँ, मैं रात में आप केक नहीं खाती हूँ। तो मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने आप से प्यार करें, क्योंकि लोगों की जो बात होती है ना वो हमारे लिए अच्छी हो जाती है, वो तो बोल के चले जाते हैं लेकिन मेरे दिमाग में वो हिट हो जाती है कि नहीं मैंने ये करना है, भाई सब ये बोल रहे मोटी हो गई बहुत हेल्दी होगी, अब कैसे वेट कम करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वेट लॉस करके भी दिखा दिया, कम क्यों हो गया मेरा वेट और मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक स्टिल अपने वेट पर हूँ। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल की होगा आप लोगों को। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मजीद में डिटेल के साथ क्या क्या खाएं, क्या क्या पिए, इस वीडियो पर और बात करूं, इस तरह वेट लॉस पे और आपको मोटिवेट करूं, तो आप जरूर मुझे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आप सबके कमेंट पढ़ती हूं, कौन मुझे क्या कमेंट कर रहा है मेरे हर वीडियो पे, मैं जितने भी जो भी मुझे कमेंट करता हूं मैं सब पढ़ती हूं, और मेरी कोशिश है मैं सबको रिप्लाई करूं। तो आपके जो भी सवाल होंगे कोई भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके उस पर वीडियो बना दूंगी अगर मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला तो। मैं आप लोगों की जितना मैं चाहूंगी ना कि आप लोग भी मोटिवेट होकर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और अपने आपको एक गुड एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे लेकर आए। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था ताकि आप लोगों को मोटिवेट करूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो। जब मैं 93 से 66 पे आ जाती हूँ स्टिल अब तक अपने वेट पे कायम हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, इस तरह की मोटिवेट वीडियो आपको मजीद मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।